हाँ जी, मिताक्षरा दे विच देखो, इट इज़ एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया एक्सैप्ट द स्टेट ऑफ आसाम एंड बंगाल। जिहड़ा मिताक्षरा नाम दा सिस्टम है, यह पूरे इंडिया दे विच एप्लीकेबल है, लागू हुंदा है सिर्फ आसाम अते बंगाल नूं छड्ड के। अंडर मिताक्षरा सिस्टम अ सन हैज़ अ राइट बाय बर्थ इन द जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी। इस सिस्टम दे विच मान लो जिवें जॉइंट हिंदू फैमिली दे विच कोई जन्म लैंदा वा, मोस्टली मेल मैंबर, तां उहदा प्रॉपर्टी दे उपर पूरा हक हुंदा है। इट मीनस वैन अ सन टेक्स बर्थ इन अ फैमिली ही एक्वायरस एन इंट्रस्ट इन द प्रॉपर्टी जॉइंटली हैल्ड बाय द फैमिली। बाकी फैमिली कोल जिन्नी भी प्रॉपर्टी है तां उहदे उपर उस परसन का भी अधिकार होगा जिसका हुणे हुणे बर्थ होया है। द राइट्स ऑफ ऑल सनस आर इक्वल। सारे जिहड़े सन हुंदे आ उन्हां दा अधिकार बराबर हुंदा है। ऑल द मेल मैंबरस ऑफ द फैमिली आर कॉल्ड कॉपर सैनर्स एंड देयर इंट्रस्ट इन द फैमिली बिजनेस इज़ नोन एज अ कॉपर सैनरी इंट्रस्ट। जिन्हें भी मेल मैंबर आ, जिवें जिहड़ा एल्डेस्ट मेल मैंबर आ उहनूं आपां करता बोलदे हाँ, उस तरीके दे नाल जिन्हें भी मेल मैंबर आ उन्हां नूं असीं की बोलदे हाँ, कॉपर सैनर्स बोलते हैं। तो उन्हों का फैमिली बिजनेस के कि इंट्रस्ट है उन्होंने कॉपर सैनरी इंट्रस्ट बोलते हैं। बट द इंट्रस्ट ऑफ द कॉपर सैनर्स इज़ ओनली लिमिटेड टू देयर इन सेंट्रल प्रॉपर्टी। मतलब जी उन्होंने बड़े बुजुर्गों की प्रॉपर्टी आ उन्होंने लाइबिलिटी उत्थे तक ही, जब कहते उन्होंने इंट्रस्ट उत्थे तक ही, वो प्रॉपर्टी के उपर उन्होंने हक है। एज पर हिंदू लॉ इन द एनसेंट्रल प्रॉपर्टी 3 सक्सेसिव जनरेशन इन द मेल लाइन ऑटोमैटिकली इंजॉय राइट फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ देयर बर्थ इन द फैमिली। हुण जे मान लो किसी सन का बर्थ हुंदा जॉइंट हिंदू फैमिली दे विच, तां जिहड़ी उहदे दादा तो लैके दादा ते फादर की प्रॉपर्टी होगी उन्हां दे उपर उहदा अधिकार होगा। ठीक है, सो 3 जनरेशन, 3 पीढ़ियां नूं लैके चलिया जांदा इहदे विच। ठीक है, भी 3 जनरेशन दे उपर उहदा प्रॉपर्टी दे अधिकार हुंदा जिहड़ा न्यू बर्थ लैंदा वा। ठीक है, नैक्सट देखो, ये नैक्सट जिहड़ा सिस्टम है वो है दया बग्गा। दया बग्गा ओनली प्रवेल्स इन बंगाल एंड आसाम। हुण देखो, आपां पहला मिताक्षरा च पढ़िया सी भी बंगाल अते आसाम दे विच वो एप्लीकेबल नहीं है, बट जिहड़ा ये सिस्टम आ ये बंगाल ते आसाम दे विच ही एप्लीकेबल आ, होर इंडिया दे विच किते नहीं है। एज पर दिस सिस्टम द शेयर ऑफ मैंबरस इज स्पेसीफाइड एंड नॉट फ्लक्चुएटिंग एज इन केस मिताक्षरा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली सिस्टम। हुण इहनूं ध्यान नाल सुण लो, इहदे विच की वो सिस्टम दे विच सीगा कि सारिआं दा अधिकार है। ठीक है, ये प्रपोर्शन मैनशन की जाती है भी किहड़े परसन दे किन्ने परसेंट शेयर ने। ठीक है, उन्हां दी स्पेसीफाइड अमाउंट दसी जाती है, उहदे विच इदां हो सकता सी भी किसी का किन्ना अधिकार हो सकता किसी का किन्ना, बट इहदे विच नाल मैनशन किया जाता भी जिहड़ा आह परसन आ जिहदी हुण जे आपां कह दईए हुण बर्थ होया वा फैमिली दे विच, उह किन्ने परसेंट का हकदार है। ठीक है, हुण नैक्सट देखो, इहदे विच टिल 1956 फीमेल मैंबरस वर नॉट हैविंग एनी राइट इन द फैमिली प्रॉपर्टी। 1956 तक जिहड़ियां हिंदू फैमिली दे विच फीमेल सीगियां उन्हां नूं फैमिली दी प्रॉपर्टी दे उपर कोई हक नहीं सी, बट हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 हैज़ मेड सम मोडिफिकेशनस। 1956 दे विच एक हिंदू सक्सेशन एक्ट पास किया गया, जां कह दिए उहदे विच मोडिफिकेशन मतलब चेंजेस कीतियां गईयां। उहदे अकॉर्डिंग की होया, नाओ फीमेल मैंबरस ऑफ द डिजीज्ड मेल मैंबर इज़ इंटाइटल टू गैट द शेयर ऑफ हर मेल मैंबर एट द टाइम ऑफ हिज डैथ। सपोज कर लो हिंदू फैमिली दे विच किसी लेडी की कोई मैरिज हुई है, मतलब ब्याह करवा के उस फैमिली का हिस्सा बनी आ, तो जो हसबैंड आदी डैथ होने तो बाद प्रॉपर्टी चो हिस्सा मिलेगा। ठीक है, नैक्सट की आ, ईवन आफ्टर द अमेंडमेंट्स इन हिंदू सक्सैशन एक्ट 1956 द फीमेल मैंबरस ऑफ देयर रिलेटिवस कैन नॉट इंजॉय द स्टेटस ऑफ कॉपरेंसरस। ठीक है, ये ये दस्या गया वा फिर भी उन्होंने वो अधिकार नहीं मिल रहा, किहड़ा अधिकार जिहड़ा उन्होंने मिलना चाहिए सी, मतलब ये एक्ट लागू होने तो बाद भी वो अधिकार उन्होंने जिहड़ियां फीमेल मैंबर सी नहीं मिले। ठीक है, अज लई इन्ना ही आ, नैक्सट टॉपिक आपां जिहड़ा डिस्कस करांगे होगा फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। ठीक है।